हेलो एवरीवन, एफटीआर की इस फोर्थ सीरीज़ में छत्तीसगढ़ जीएस से ज्योग्राफी वाले पार्ट से ये चौथे नंबर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। और कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है उसमें लोगों के आप लोगों की भागीदारी जो आप निभा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। पिछले जो सीरीज़ आई थी जिसमें हमने भौतिक विभाजन के बारे में बात किया था, क्वेश्चन नंबर 15 जो मुझे लगा जिसको मुझे डिस्कस करना चाहिए वो इस सीरीज़ के लास्ट में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि शिव नाथ एवं वेनगंगा के मध्य जो वाटर सेपरेटर है उसका क्या मामला है। हम यहाँ पर आज रॉक छत्तीसगढ़ की चट्टानों पर डिस्कस करेंगे। और छत्तीसगढ़ की चट्टानों को डिस्कस करने के पूर्व छत्तीसगढ़ में संबंधित जो जिस प्रकार की चट्टानें हैं उसके लिए हमने एक आरेख बनाया हुआ है ताकि कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे अभी आगे वो आपके इन्हीं वेब डायग्राम से या फ्लो डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। चट्टान के टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके तहत जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, उस पर अगर किसी भी प्रकार का ये होगा, क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी जो संकल्पना है वो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है। ठीक, तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ में कड़प्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। और डी है, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है। इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक, इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इससे संबंधित इस कॉन्सेप्ट संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने एक रॉक सिस्टम बनाया है। रॉक यानी कि चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान होता है खनिजों का मिश्रण। ठीक, इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल दैट इज कॉल्ड रॉक। अब ये रॉक सिस्टम में समझाने की कोशिश तो अभी नहीं कर सकता, बट इसे आपको याद करना होगा अगर क्वेश्चन कुछ लेवल तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की तरफ रुख करना पड़ेगा, जो अभी हमारे पास समय कम होने का हम उस पर नहीं जा सकते। तो याद रखेंगे, 4 बिलियन ईयर्स एगो मैंने बताया टाइम के हिसाब से, 14 to 16 मिलियन ईयर्स एगो, 600 to 500 मिलियन ईयर्स एगो और 200 मिलियन ईयर्स एगो बहुत से भूवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से, बहुत से भूवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से कई चट्टानों पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया। ठीक, और उसके अनुसार उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया हुआ है। तो एक ओवरऑल जो सबको समाहित करता है, सबकी थ्योरी को समाहित करते हुए ये हमने एक रॉक साइकिल बनाया हुआ है। और इसके तहत सबसे पुरानी चट्टानें जो होंगी वह होंगी आर्कियन चट्टान समूह की। उसके बाद यानी आर्कियन चट्टान समूह के बाद पर्यावरण की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो चट्टान बनती है उसमें पुराण रॉक ग्रुप कहूँगा। तीसरा, जो उसके बाद जो बनती है वो द्रविड़ियन रॉक ग्रुप होगा और उसके बाद जो बनेगी वो आर्यन रॉक ग्रुप होगा। करेक्ट होती बात? तो अगर बात किया जाए इस लेवल पे क्वेश्चंस की कि सबसे पुराना रॉक समूह कौन सा है, तो आर्कियन समूह, दूसरा है पुराण समूह, तीसरा है द्रविड़ियन समूह और चौथा है आर्यन समूह। ठीक, तो सबसे नया कौन सा होगा? आर्यन समूह होगा। और सबसे पुराना कौन सा होगा? आर्कियन समूह होगा। अब ये देखते हैं कि ये जो फैमिली है, ये जो रॉक फैमिली है, टोटल हमने 4 रॉक फैमिली की बात की, इस रॉक फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानों को रखा गया है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो ध्यान रखेंगे, भूगर्भिक दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ के चट्टानों को 6 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आर्कियन के बाद आप ध्यान रखेंगे धारवाड़ के बाद ध्यान रखेंगे कड़प्पा के बाद ध्यान रखेंगे आप विंध्याचल या विंध्यन, उसके बाद आपको ध्यान रखना है गोंडवाना के बारे में और गोंडवाना के बाद याद रखना है आपको डक्कन के बारे में। बट अगर व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो 2 और अलग प्रकार की चट्टानों को यहाँ पर कैलकुलेट या उसकी गणना की जाती है, जैसे कि लेटराइट और एल्यूवियन। तो अगर एग्जाम में पूछता है कितने प्रकार की मुख्यतः चट्टानें पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 6 और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर 8। तो हम यहाँ पर बेसिकली 6 प्रकार की चट्टानों को अपनी थ्योरी में लेकर चलते हैं। चलिए, तो ये जो मेरी आर्कियन समूह है, तो आर्कियन समूह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो 6 चट्टानों हैं, ठीक, जो छत्तीसगढ़ में जो 6 चट्टानें हैं, उन 6 चट्टानों में प्रमुख 2 चट्टानों को हमने किस में रखा हुआ है? आर्कियन समूह में रखा हुआ है।
उसमें से दो चट्टानों को हमने पुराण समूह में रखा हुआ है और उसमें से दो चट्टानों को हमने आर्यन रॉक ग्रुप में रखा हुआ है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में द्रविड़ियन रॉक ग्रुप नहीं पाई जाती, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कोल और साउथ अमेरिकन कोल है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। यानी कि छत्तीसगढ़ में आर्यन समूह, पुराण समूह और आर्यन समूह पाई जाती है, तो क्वेश्चन आ सकता है छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी रॉक ग्रुप है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी रॉक समूह है जो सबसे नई है या सबसे पुरानी है। तो सबसे नई अगर पूछेगा तो आर्यन, सबसे पुरानी पूछेगा तो आर्यन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस समूह में किसको किसको रखा गया है। तो याद रखेंगे आर्यन समूह में आद्य महाकल यानी आर्यन चट्टाने और धारवाड़ चट्टाने, ठीक। पुराण ग्रुप में कड़प्पा चट्टाने और विंध्याचल चट्टाने, और आर्यन यानी आर्यन में गोंडवाना चट्टाने और साथ ही साथ डक्कन चट्टाने। तो जिस तरह से मैंने दो 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 यानी कि छह चट्टानों के बारे में बताया, ये छह चट्टाने छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक दृष्टि से फैली हुई हैं। अब ये जो चट्टाने हैं इनमें सबसे पुराना और सबसे नया भी पूछता है, क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछता है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पुराना जो चट्टान बना वो कौन सा बना, आर्यन चट्टान। ये हमने आर्यन चट्टान बनाया, आर्यन चट्टान के बाद जो बना वो मेरा धारवाड़ चट्टान बनता है, ठीक। यानी कि सबसे पुराना ग्रुप में बनी हुई चट्टानों में भी हम माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, तो आद्य महाकल सबसे पुराना, उसके बाद धारवाड़ चट्टान, फिर धारवाड़ चट्टान के निक्षेपण एवं अप्रदन के बाद हमें कड़प्पा चट्टानों की प्राप्ति होती है, ठीक। और कड़प्पा चट्टानों के बाद हमें विंध्याचल चट्टानों की प्राप्ति होती है समयानुसार, ठीक। अब विंध्याचल के बाद हमें मिलता है, अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे तो हमें गोंडवाना चट्टान, और गोंडवाना के बाद समय अनुसार समय अंतराल के आधार पर हमें मिलता है डक्कन चट्टाने, ठीक। जब हम चट्टानों को पढ़ते हैं हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, समझिएगा, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक। और सेकंड बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो याद रखेंगे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल के बाद बात करेंगे चट्टानों की, तो हम इस प्रकार से छह प्रकार से हम उसको डिवाइड करते हैं। और अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो हमें हर चट्टानों में तीन प्रकार की क्वालिटी मिलेगी, यानी तीन चट्टानों की क्वालिटी मिलेगी, जिसमें एक आग्नेय होगा, दूसरा कायंत्रित होगा और तीसरा औषधि होगा। अर्थात इसे हम प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं निर्माण, ठीक। यानी निर्माण के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण तीन मान सकते हैं, और समय अंतराल पे चट्टानों का वर्गीकरण को उसके चार फैमिलियों में डिवाइड किया गया है, और ये छह चट्टानें होती हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी, चट्टान फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, चट्टान कौन सी है, तो याद रखेंगे आद्य महाकल सबसे पुरानी, उसके बाद थोड़ी नहीं धारवाड़, फिर कड़प्पा, फिर विंध्याचल, फिर गोंडवाना, फिर डक्कन। ये अपने आप में क्वेश्चन, यानी सबसे नया जो चट्टान मुझे देखने को मिलेगा वो डक्कन चट्टानें होंगी, ठीक। चलिए तो आइए इसके साथ हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सा है। इसका ध्यान रखेंगे आंसर होगा ए आर्यन सेल समूह। आपको पता है आर्यन आद्य महाकल सबसे पुरानी है, इसके बाद धारवाड़, फिर ये चीजें आएंगी, तो आर्यन सेल समूह, ठीक। इसके बाद ऑप्शन के आधार पर बी धारवाड़ सेल समूह बना होगा, और धारवाड़ सेल समूह से थोड़ा सा नया गोंडवाना, गोंडवाना से नया डक्कन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर टू में अगर सारे ऑप्शंस को देखूं तो सबसे नया है आपका डक्कन ट्राइब, उससे पुराना है गोंडवाना, उससे पुराना है धारवाड़, और उससे पुराना है आर्यन। यानी आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर दो का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित सेल समूह को क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में बताएं। अब बात कर रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम में बताना है, तो इसके लिए कुछ प्रमुख चट्टाने हैं, ठीक। प्रमुख चट्टाने उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं परसेंट आधार पर, आप याद रखेंगे इस चीज को तो काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी चट्टान आपको पता है आर्यन चट्टान है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप आर्यन चट्टान 50% एरिया में फैला हुआ है, ठीक। कड़प्पा चट्टाने जो फैली हुई है वो लगभग 30% एरिया में फैला हुआ है, और जो गोंडवाना चट्टाने हैं वो लगभग 17% एरिया में फैला हुआ है। तो कभी भी ऑप्शन आता है तो ये तीन को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा, यानी उसके बाद जो चट्टान पाई जाती है वो धारवाड़ पाई जाती है लगभग 1 से लेकर 1.5% तक, और एट लास्ट जो 1 से 2% का कंट्रीब्यूशन हो विभिन्न प्रकार के चट्टानों के साथ हम देख सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित सेल समूह को क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में बताएं। ठीक, करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एक्सपांडेड सेल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन द स्टेट। तो ध्यान रखेंगे कड़प्पा धारवाड़ आर्यन गोंडवाना, बी है आर्यन गोंडवाना कड़प्पा धारवाड़, सी कड़प्पा आर्यन धारवाड़ गोंडवाना, और डी है आर्यन कड़प्पा गोंडवाना धारवाड़।
तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है वह आर्कियन, फिर फैला हुआ है आपका कड़प्पा, फिर फैला हुआ है आपका गोंडवाना और फिर फैला हुआ धारवाड़। अतः क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। ठीक, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछ सकता है कौन ज्यादा कौन कम, और उसके फॉर्मेशन यानी उसके निर्माण के आधार पर भी पूछ सकता है कौन पहले कौन बाद पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन सेल समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? पहला, भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। बी, जीवाश्म रहित सेल समूह है, ठीक है। सी, यह प्रदेश के 20% भाग पर विस्तृत है। और डी, खनिज पदार्थ ग्रेनाइट सिस्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो आर्कियन है या अवर्गीकृत जो चट्टानें हैं वो 50% क्षेत्रफल में पाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि 20% भाग में। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, क्योंकि इसने असत्य के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी। आइए इसे आर्कियन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करके हम देखते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि चट्टानों का जो भूगर्भिक इतिहास होता है उसको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि महाकल, युग, शक। तो हम यहाँ पर उस डीप में ना जाते हुए हम डायरेक्टली यहाँ पर ये समझते हैं कि जो हमारा एरा होता है, हमारा एरा मतलब कौन सा एरा? प्री पैलियो जोइक एरा। इस पैलियो जो एक प्री पैलियो जो एक एरा के अंतर्गत दो पीरियड होते हैं। पहला होता है आपका आर्कियन पीरियड, ठीक, और उसके बाद जो होता है वह होता है आपका प्री कैम्ब्रियन, करेक्ट। क्योंकि प्री कैम्ब्रियन इसलिए क्योंकि अगला जो पीरियड होगा वो कैम्ब्रियन होगा और वो पैलियोजोइक के अंतर्गत आएगा। तो बात हमारी इसकी है, तो प्री पैलियोजोइक जो एरा होता है उसमें जो ये आर्कियन पीरियड होगा, ठीक है, इस आर्कियन पीरियड में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। जब जीवन की उत्पत्ति नहीं होती तो इसी समय भूगर्भ से लावा बाहर आता है, और उस लावा के द्वारा लावा के ठंडे होने के बाद ही आग्नेय चट्टान, जिसको हम निर्माण के आधार पर आग्नेय चट्टान बोलते हैं, और आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और ये आग्नेय चट्टान आगे जाकर ग्रेनाइट एवं नीस के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। यानी बोल सकता हूँ बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द रॉक्स इज आर्कियन रॉक्स, यानी कि सभी चट्टानों की आधारभूत जो संरचना होगी या आधारभूत जो बेस होगा वह होगा मेरा आर्कियन चट्टान, यानी सबसे पुरानी चट्टान जो होगी वो आर्कियन चट्टान होगी। इसमें जीवाश्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आर्कियन एज में यहाँ पर जीवाश्म नहीं है। पहला पॉइंट यह सबसे पुरानी होगी, दूसरा इसमें जीवाश्म नहीं होंगे, ठीक। तीसरा, ये एक्वेटिक रॉक्स है यानी कि ये जलज चट्टानें हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका अपरदन एवं अपक्षण होने के पश्चात हमें और भी चट्टानों की प्राप्ति होती है, तब हम यहाँ पर देखेंगे धारवाड़ चट्टान के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम धारवाड़ चट्टान देखते हैं। तो आइए, ये जो क्वेश्चन हमने जो बोला क्वेश्चन नंबर 4 कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला आर्कियन सेल समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाया जाता, बिल्कुल सही। जीवाश्म रहित सेल समूह है, आप सबको पता है जीवाश्म रहित सेल समूह है यानी कि इसमें जीवन नहीं है इस टाइम में। जब जीवन नहीं होगा यानी जीव जंतु नहीं होंगे तो जैव जीवाश्म नहीं की प्राप्ति नहीं होगी, करेक्ट। चलिए, यह प्रदेश के लगभग 20% भाग में विस्तृत है, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा क्योंकि यह 50% है और यहाँ पर बोल रहा है 20%, अर्थात ये गलत है। डी, खनिज पदार्थ ग्रेनाइट एवं सिस्ट के रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल। आज भी अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो आर्कियन चट्टान के बारे में पूछेगा तो किस रूप में फैली हुई है, तो याद रखेंगे ग्रेनाइट एवं सिस्ट के रूप में 50% भागों में आर्कियन चट्टान फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह के विषय में असत्य है। चिल्फीघाट सीरीज में एक लामा आता है। आयरन ओर सीरीज दंडकारण के पठार में उत्तर से दक्षिण मध्य विस्तारित है। सोनाखान सीरीज छत्तीसगढ़ के मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर क्षेत्र में फैली हुई। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले धारवाड़ सेल समूह को थोड़ा सा समझना होगा, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से विस्तारित है, ठीक। इसका आंसर सोच लिया आप लोगों ने, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। कौन सा? धारवाड़ सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भाग में स्थित है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी भाग हो गया, छत्तीसगढ़ का ये मध्य भाग हो गया, और छत्तीसगढ़ का ये कौन सा वाला भाग हो गया? दक्षिणी भाग हो गया। याद रखेंगे उत्तरी भाग में मैक्सिमम पोर्शन में आपको दिखने वाला है गोंडवाना चट्टान, जो कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में? 17%। मध्य भाग में आपको दिखने वाला है लगभग 30% भागों में महानदी मैदान में आपको दिखने वाला कड़प्पा चट्टान है, ठीक।
उसके बाद जो दक्षिण वाला भाग है यहां पर आपको दिखने वाला है आर्कियन चट्टान, ठीक है। आर्कियन चट्टान यानी ये वाला पूरा पोर्शन आपको आर्कियन चट्टान जिस तरह से आपको अभी मैप में दिख रहा होगा, कैसे यहाँ पर चट्टानों का वर्गीकरण हुआ है आपको मैप में दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका आर्कियन चट्टान लगभग लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 50% में, और यहीं पर आपको दिखने वाला है क्या धारवाड़ चट्टान भी, ठीक। तो प्रमुख रूप से मैंने चार चट्टानों को यहाँ पर बाइफर्केट किया है। अब बात करते हैं धारवाड़ चट्टान की। तो याद रखेंगे धारवाड़ चट्टान जो होता है सबसे प्राचीनतम औसादी कायंत्रित चट्टानें होती हैं, यानी कि यह जो चट्टान है ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक, यानी ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक। जब हम रॉक साइकिल देखते हैं कि आग्नेय से कैसे औसादी बनता है, औसादी से कैसे किसमें बनता है कायंत्रित में होता है, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो धारवाड़ है ये पहले औसाद हुआ होगा, यानी कि इस चट्टान का टूटना हुआ होगा, टूटने के बाद उसमें ताप एवं दाब की क्रिया होने के बाद उसकी क्या केमिकल एवं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई होगी। फिजिकल मतलब बाहरी आयर और केमिकल मतलब उसके अंदर के आरएनए एवं डीएनए भी चेंज हो गए होंगे, तब वो कायंत्रण होना। कायंत्रण का मतलब होता है काया का चेंज होना, काया का चेंज होना मतलब रूप का चेंज होना, ठीक। आग्नेय, आग्नेय का मतलब होता अग्नि, अग्नि का मतलब होता हीट, हीट का मतलब होता इग्नियस रॉक, अर्थात अग्नि के थ्रू यानी कि अग्नि यानी हीट से बना हुआ रॉक आग्नेय चट्टान, ठीक। तो यहां पे मैं जब बात करूं धारवाड़ चट्टान की, तो धारवाड़ चट्टान की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी आपके आर्कियन चट्टान की तरह ही होगी, ठीक है। यानी कि ये भी अपरदन अपक्षण के थ्रू बनेगी। किसके अपरदन अपक्षण से बनेगी? ये आर्कियन चट्टानों के, ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यह छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग 1-2% में फैली हुई है, ठीक। तीसरा हमें पता होना चाहिए कि यह धारवाड़ चट्टान जो है यह छत्तीसगढ़ में 3 भागों में फैली हुई है। पहला जो हम बोलते हैं इसको चिल्फी घाट सीरीज, कौन सा सीरीज? चिल्फी घाट सीरीज। दूसरा बोला जाता है आपका सोना खान सीरीज, ठीक है। और तीसरा आपका बोला जाएगा बालोद बस्तर सीरीज, कौन सा सीरीज भैया? बालोद बस्तर सीरीज, या इसी को बोला जाता है आयरन ओर सीरीज, ठीक। तो चिल्फी घाट ये आपका फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में? अगर मैं बोलूँ इसे किस डायरेक्शन में आएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट पे, ठीक। बलौदा बाजार और महासमुंद वाले एरिया यानी सोना खान वाले क्षेत्र में आपका फैला हुआ है यहाँ पे सोना खान सीरीज, यानी ये कौन से डायरेक्शन में आपका फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ठीक। और अगर मैं बात करूं आयरन ओर सीरीज की, तो अगर मैं बस्तर संभाग को ही बना दूं यहां पे, ये देखिए करेक्ट, अगर मैं बस्तर संभाग बना दूं और आयरन ओर सीरीज को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये तो आयरन ओर सीरीज का जो डायरेक्शन होगा छत्तीसगढ़ के वह होगा साउथ, साउथ के बाद ये मैं बात करूंगा वेस्ट पे, करेक्ट। तो साउथ वेस्ट पे जो आयरन ओर सीरीज है उसके अंतर्गत भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आप ध्यान देंगे बेलाडीला, दूसरा पार्ट आप ध्यान रखेंगे रावघाट, और तीसरा पार्ट आप ध्यान रखेंगे दल्ली राजहरा की पहाड़ी। यानी कि बालोद बस्तर सीरीज यानी आयरन ओर सीरीज में भी 3 भाग, बेलाडीला, रावघाट, दल्ली राजहरा। ये वाला बेल्ट हो गया आपका चिल्फी घाट सीरीज, और ये वाला बेल्ट हो गया आपका सोना खान सीरीज यानी कि उड़ीसा का बॉर्डर के साथ, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चिल्फी घाट सीरीज में एक लामा आता है, बिल्कुल इसी चिल्फी घाट सीरीज में एक लामा और चिलिक लामा नामक आपको आयरन ओर की खदानें मिलेंगी, ठीक। दूसरा आयरन ओर सीरीज दंडकारण्य के पठार में उत्तर से दक्षिण है, ये मैंने दंडकारण्य बताया उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के साउथ वेस्ट में क्या फैला हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें धारवाड़ चट्टानें मिलती है। सी में देखते हैं सोना खान सीरीज छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण पूर्वी उड़ीसा सीमांत में फैली हुई, करेक्ट। ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, यहाँ पे बलौदा बाजार महासमुंद ये आपका टर्न आउट किया, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। डी धारवाड़ सेलसमूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भाग में, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ का मैदान दिखता है और छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भाग में प्रमुखता यहाँ पे गुडवारा चट्टानों का समूह मुझे देखने को मिलता है, तो अदा आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छत्तीसगढ़ के मैदान के विषय में असत्य बताइए। इसकी आकृति पंखाकार है, इसके दक्षिण में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है, यहाँ कड़प्पा सेल समूह की बहुलता है, यहाँ गोडवाना सेल समूह का भी विस्तार है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यहाँ गोडवाना सेल समूह का विस्तार है बोला है, लेकिन विस्तार नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? असत्य। तो असत्य क्या होगा? यहाँ गोडवाना सेल समूह का विस्तार है, करेक्ट। आइए इसे हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। चलिए कड़प्पा चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो ये जो मेरी कड़प्पा चट्टानी है, याद रखेंगे यह एक अवसादी चट्टान है,
ठीक। अब ये नहीं कि अवसादी चट्टान है तो इसमें जीवाश्म प्राप्त होगा जैसे गुडवाने में होता, नहीं, ये एक अवसादी चट्टान है जो जीवाश्म रहित है, ध्यान रखेंगे इसके, ठीक। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे तथ्यों को समावेश करना पड़ेगा, चाहे वो भूगर्भिक इतिहास हो, बट मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कड़प्पा है यह एक अवसादी चट्टान है जो कि जीवाश्म रहित है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वह होता है पैलियोजोइक, कब? पैलियोजोइक एरा में, कब? पैलियोजोइक एरा में, ठीक, ओडोविशियन काल में, ओडोविशियन काल में, ठीक। इसका निर्माण होगा कब? प्रवाल भित्ति, या आपको पता है प्रवाल भित्ति का निर्माण जो होता है लगभग पैलियोजोइक एरा में, ओडोविशियन काल में कोरल रिप्स का निर्माण पूरे समुद्रों में देखने को मिलता है, अर्थात प्रवल भित्ति के इम्पैक्ट से, प्रभाव से हमें कड़प्पा चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसके बाद 2-3 एज के बाद हमें 40 से लेकर 50 और फिर 100 फीट तक के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात इसके फॉर्मेशन के समय यहाँ पर कोई पेड़ नहीं होते, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, अतः इसमें जीवाश्म की कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 30% क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, ठीक। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में फैला हुआ है भैया? 30% क्षेत्रों में फैला हुआ है। और अगर मैं मैप बनाऊं तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में 30% क्षेत्रों के साथ ही साथ इसके तीन सीरीज की प्राप्ति होती है, ठीक। पहला सीरीज होता है आपका कौन सा? रायपुर सीरीज। दूसरा सीरीज आपका कौन सा होता है? चंद्रपुर सीरीज, ठीक। और तीसरा सीरीज होता है आपका, ये होता है बिंझावर सीरीज, करेक्ट। तो चलिए आइए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जांजगीर हो गया, ठीक। ये आपका बलौदा बाजार हो गया, ये आपका बिलासपुर वाला बेल्ट हो गया, ठीक। ये मुंगेली का बेल्ट हो गया, ये रायपुर, ये रायगढ़, ये महासमुंद, ये उसके बाद ये हो गया आपका गरियाबंद के बाद ये आपका हो गया धमतरी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका बेमेतरा, ये हो गया आपका दुर्ग, और ये हो गया आपका बालोद। और बालोद के पश्चात यहाँ से ये हो जाएगा आपका कौन सा? राजनांदगांव, ये हो गया कवर्धा, ठीक। देन आप यहाँ पर ले लेंगे इसको कांकेर, कांकेर के बाद ये हो गया आपका नारायणपुर, देन कोंडागांव, ये इस तरीके से हमने एक तरह से बेसिक ले लिया। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो बेल्ट है, ठीक, ये जांजगीर चांपा से मैंने लिया, यहाँ पे आपका हिर्री माइंस यानी डोलोमाइट मिलता है, वो भी इसी का ही भाग है, ठीक है। तो ये पूरा भाग मैंने ले लिया लगभग ये, ठीक है, ये मैंने लिया। ये कौन सी सीरीज है आपकी? रायपुर सीरीज। मैप में अभी दिख रहा होगा आपको, और क्लियर दिखेगा, ठीक। बस मैं यहाँ पर इसलिए इसको बनाया क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है आपका बिंझावर सीरीज का, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मुझे बिंझावर सीरीज मिलता है, बस्तर वाले क्षेत्र में दंतेवाड़ा कोंडागांव जगदलपुर वाले क्षेत्र में बिंझावर सीरीज मिलेगा, ये मेरा रायपुर सीरीज होगा। और साथ ही साथ जो महानदी का दक्षिण में ये जो सारंगढ़ वाला पार्ट है, ठीक, इस सारंगढ़ वाले पार्ट से ये एक पतली पट्टी आती है, यानी कि पतली पट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरी पतली पट्टी है, यानी कि इसे मैं बोलता हूं महानदी पार का मैदान, ठीक। तो महानदी पार का मैदान जो बना हुआ है वह एक्चुअली कड़प्पा चट्टानों से ही बना हुआ है, और ये जो कड़प्पा चट्टाने हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं चंद्रपुर सीरीज। यानी कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में जो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है, वहाँ से बहने वाली महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं, वह इस महानदी पार के मैदान में कड़प्पा चट्टानों का अपरदन करते हुए महानदी पार के मैदान का निर्माण करती हैं, और बाद में कहाँ जाकर मिल जाती हैं? महानदी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो याद रखेंगे इसकी आकृति पंखाकार है। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति जो है वह पंखाकार है, क्योंकि नदियों के द्वारा दो फ्लेंज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके दक्षिण में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है, मैंने पहले ही बात किया था धारवाड़ के समय, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, यहाँ कड़प्पा सेल समूह की बहुलता है, बिल्कुल 30% जो है यहीं पर हमें पूरा कड़प्पा देखने को मिल रहा है। और डी, यहाँ गोडवाना सेल समूह का विस्तार है, यानी कि असत्य कथन बताना था तो होता है डी, गोडवाना सेल समूह का विस्तार यहाँ नहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र पर है, करेक्ट। सातवें नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बघेलखंड के पठार के विषय में असत्य कथन बताइए। यहाँ मुख्यतः आर्कियन युगीन सेल समूह पाया जाता है, कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग में से गुजरती है, यहाँ रिहन नदी का उद्गम ऐसी प्राकृतिक प्रदेश से है, यहाँ मुख्य खनिज कोयला है, तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है।
चलिए समझते हैं कैसे है क्या है। असत्य कथन बताना है तो याद रखेंगे प्रेफरेंस लेवल पे हमें देखना होगा यहाँ पे कैसे हर क्या है, स्टेटमेंट के हिसाब से समझना होगा। चलिए और कौन सा मोस्ट प्रिफरेबल यहाँ पर आंसर होगा उस हिसाब से हम जाएंगे, यहाँ पे हम तथ्यों पे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स पे हमें जाना होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं गोंडवाना सल समूह के बारे में। तो याद रखिएगा बघेलखंड के पठार के बारे में, जो मेरा बघेलखंड का पठार है वह छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। और याद रखेंगे बघेलखंड के पठार का जो हिस्सा है यानी कि जो गोंडवाना सेल समूह है वह कौन से ग्रुप का है, सबसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कौन से ग्रुप का होगा, यह होगा आपके आर्यन ग्रुप का। कड़प्पा कौन से ग्रुप की होगी, वो होगी आपकी पुराण ग्रुप की। ठीक, और धारवाड़ और आर्यन चट्टाने कौन से ग्रुप के होंगे, वो होंगे प्री कैम्ब्रियन रॉक ग्रुप के। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र कौन से ग्रुप से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे आर्यन मध्य किससे संबंधित है, लगभग पुराणों से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, यहाँ मुख्यतः आर्कियन युगीन सेल समूह है। याद रखेंगे कभी कभी आप स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि सबसे पुरानी चट्टाने आर्कियन चट्टाने, और ये भी ध्यान रखेगा इन्हीं आर्कियन चट्टानों के ऊपर ही गोंडवाना चट्टान की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। तो यहाँ मुख्यतः आर्कियन युगीन सेल समूह है, चलिए इसे हम स्टोर करके रखते हैं। दूसरा, कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, बघेलखंड के पठार के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये गलत है क्योंकि जो कर्क रेखा होती है वह कोरिया के बाद आपका कौन सा सूरजपुर के बाद आपका आता है ये बलरामपुर। ठीक, तो कोरिया सूरजपुर बलरामपुर के मध्य से होकर गुजरती है। तो पूरे आंसर्स में जो अप्रोप्रिएट लग रहा है, जो गलत है वह है बी। बाकी आप ए के तरफ भी अगर आप जाते हैं तो 80-90% ये सही हो सकता है। ठीक, तो कभी कभी प्रेफरेंस लेवल में जाके हमें टिक लगाना होता है। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, यहाँ रिहन नदी का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है क्योंकि मेन पार्ट तो किस में आ जाता है, जसपुर सामरी पार्ट में, और रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरीमतीरिंगा की पहाड़ी से है जो कि मेन पार्ट के किधर, मेन पार्ट के साउथ, और साउथ के साथ ये कौन सा वाला भाग होगा, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में पूरी मतिरिंगा की पहाड़ी फैली हुई है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रिहन नदी। आखिर रिहन नदी की लंबाई कितनी है आप सबको पता है, 145 किलोमीटर, और यह सरगुजा की जीवन रेखा है, सरगुजा की लाइफलाइन है रिहन नदी, और इसी रिहन नदी पर रिहन बांध, रिहन बेसिन का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी पता है कि रिहन नदी के तहत, रिहन नदी को कई अन्य नदियों से नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यह ऑप्शन होगा आपका बी, कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, अर्थात इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, छत्तीसगढ़ में डक्कन ट्रैप के विषय में असत्य बताएं, डक्कन ट्रैप के विषय में असत्य बताएं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये क्लियर है कि जो डक्कन ट्रैप है मेरा कौन सा, जो डक्कन ट्रैप है, ठीक, वह क्या, डक्कन ट्रैप आर्यन ग्रुप पे बिलोंग करता है ये सबको पता है, और डक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ वो गोंडवाना के बाद होता है। तो ध्यान रखिएगा डक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक, कौन सा, मेसोजोइक एरा के द्वितीय युग में, ठीक, मेसोजोइक एरा के द्वितीय युग में क्रिटेशियस काल में। ठीक है, तो क्रिटेशियस काल के समय यहां पर हमें कौन सा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण दिखता है, क्योंकि याद रखेंगे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के इस समय क्रिटेशियस काल में एक ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और उस ज्वालामुखी के द्वारा कुछ लावा बाहर आती है। ठीक, तो एक चीज और यहां से ध्यान रखेंगे आप, जब लावा भूमि में बाहर आ जाए, ठीक, और जब लावा बाहर आ जाए और जब लावा अंदर ही अंदर ठंडा हो जाए, दो चीजें हैं यहाँ पे, जब लावा अंदर ही अंदर ठंडा होते जाए, ठीक, और धीरे धीरे उसका सॉलिडिफिकेशन हो, यानी कि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी अच्छे से जनरेट होता है और उसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टाने। ठीक, और जब ये लावा बाहर आ जाए और वातावरण के संपर्क में आने के बाद ये बहुत ही जल्दी यानी कि फास्ट तरीके से इसका सॉलिडिफिकेशन हो, तब हम इसे कहते हैं क्या, बेसाल्टिक चट्टाने। ठीक, बेसाल्टिक चट्टाने यहां पर बोल रहा है दक्कन ट्रैप। अब याद रखेंगे पूरे भारत के दक्कन वाले हिस्से पे यह ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ, और यह स्वीडिश में जो सीढ़ी नुमा आकृति होती है उसे कहा जाता है ट्रैप, यानी दक्कन क्षेत्र में बेसाल्टिक चट्टानों का फैलाव सीढ़ी नुमा आकृति से होने के कारण इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और यह जो है ये जो बेसाल्टिक चट्टाने यानी ये जो दक्कन ट्रैप की जो चट्टाने हैं यह प्रमुख रूप से काली मिट्टी के निर्माण के लिए भागीदार होती है, काली मिट्टी के निर्माण के लिए
इनका पर्यावरण के द्वारा अपक्षरण किया जाता है, अपरदित होती हैं और काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या कपासी मिट्टी का निर्माण इनके द्वारा होता है। ठीक, खनिज की बात करें तो इन्हीं दक्कन ट्राइब से हमें बॉक्साइट नामक खनिज मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसमें आंसर देखते हैं। पहला ए, यहाँ बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार है, बिल्कुल ये पूरी बेसाल्टिक चट्टानें हैं। इन्हें बाघ या लमेटा सेल समूह भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, याद रखेंगे इसे बाघ एवं लमेटा सेल समूह भी कहा जाता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ, ये भी सही है। ये सिर्फ जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में संकेंद्रित है, ये गलत है। ये जसपुर पाट सामरी क्षेत्र में केंद्रित होने के साथ ही साथ इसका कवर्धा के साथ ही साथ कवर्धा क्षेत्र में भी ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यह सिर्फ जसपुर सामरी पाट क्षेत्र के अलावा और भी क्षेत्रों में फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ की सेल समूह और उसकी विशेषता सुमेलित कीजिए। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा आपको सब चीज़ याद होगा, उस हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ याद करने वाले हैं और उसको मैच द फॉलोइंग करते हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की सेल समूह और उसकी विशेषता को सुमेलित कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा गाइस, सोचिए आप लोग जब हम डिस्कस करते हैं। ए, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ए है आपका आर्कियन, जो दंडकारण के पठार में विस्तारित है। बी, दो गोडवाना के बारे में बात बोल रहा है। सी, डक्कन के। और डी, कड़प्पा के। और ई, धारवाड़ के बारे में। ठीक, चलिए आर्कियन का जो सुमेलन हम करें तो याद रखेंगे अनउपजाऊ क्रिस्टल युग चट्टाने, यानी कि अनउपजाऊ क्रिस्टल युग। क्रिस्टल युग क्यों बोला, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये ग्रेनाइट और सिस्ट के फॉर्म में होगा, यानी इनका सॉलिडिफिकेशन बहुत ही स्लो होगा। और स्लो होने के कारण इसमें क्रिस्टल के बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, यानी कि ये कंकड़ पत्थर युक्त होगा और इन्हीं के से बाद में धारवाड़ में मिलेगी, अर्थात ये फर्टाइल नहीं होंगे। तो ए चला जाएगा 4 के साथ। गोडवाना की बात करते हैं, तो गोडवाना जो होगा उत्तरी क्षेत्र के मध्य भागों में संकेंद्रित है, बिल्कुल सत्य है। दक्कन ट्रैप की बात करूं तो इसको याद कर लीजिएगा, दक्कन ट्रैप में इंटर ट्रैपियन बैंड पाया जाता है, एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है जो उस चट्टानों में मुख्यतः हमें देखने को मिलता है। ठीक, कड़प्पा की बात करते हैं। कड़प्पा जो है चिड़िया के पंख नुमा आकृति में फैली हुई है, तो याद रखेंगे पंखा नुमा आकृति किसकी है, छत्तीसगढ़ के मैदान की। तो उसी छत्तीसगढ़ के मैदान में लगभग 30% एरिया में हमारी कड़प्पा चट्टाने विस्तृत हैं। फिर बात करते हैं हम धारवाड़ के बारे में, तो धारवाड़ जो है दंडकारण्य के पठार में लगभग मैक्सिमम जो धारवाड़ फैला हुआ है वो वहाँ पर फैला हुआ है, यानी कि आयरन ओर सीरीज जो है वो धारवाड़ चट्टानों की, मैंने बताया था साउथ वेस्ट। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन होगा बी, 4, 2, 3, 5, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। विनियन सेल समूह, औसादी चट्टान, लमेटा सेल समूह, बेसाल्ट चट्टान, गोडवाना सेल समूह, नदी नीचे। चलिए तो आप लोग आंसर सोचिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला आ रहा है विनियन सेल समूह। तो याद रखेंगे जो विनियन सेल समूह होता है वो नदी निक्षेपों से निर्मित रिवर डिपॉजिट के थ्रू होगा, याद रखेंगे। ठीक, अगर ये याद नहीं है, अगर ये नहीं बन रहा तो बाकी ऑप्शन की तरफ जाइए, बाकी जो 5 ऑप्शंस हैं उसको मैच द फॉलोइंग करना होगा, उसको मिलाना होगा और मिलाने के पश्चात हमें बाकी बचे हुए के साथ हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम कहाँ से निकालते हैं, ई से निकालते हैं, आर्कियन सेल समूह इनके बारे में पता है तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला ई, आर्कियन सेल समूह का क्या हो सकता है, तो आर्कियन सेल समूह क्या हो सकता है, आग्नेय चट्टान, बिल्कुल। तो आर्कियन का 5 आग्नेय चट्टानों के निक्षेप से बना हुआ है। धारवाड़ किससे बना हुआ है, उसको आप लिखेंगे सीधा सीधा आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। गुडवाना सेल समूह का क्या है, हिसाब किताब है, वह एक औसादी चट्टाने हैं जिसकी खोज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मेडलीकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि सी का आ जाएगा 1। लमेटा सेल समूह जो है, यानी कि बाघ एवं लमेटा किसे कहते हैं, मैंने बताया था बेसाल्ट को, तो बेसाल्ट चट्टानों से युक्त है। विंध्यन सेल समूह के बारे में नदी निक्षेप, यानी इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, 3, 2, 1, 4, 5। याद रखेंगे जब भी अगर चट्टानों के बारे में बात हुआ तो मैं 3 चट्टानों का आपको बेसिक बता देता हूं। पहला हो गया आपको आर्कियन, तो बोलेगा आर्कियन का निर्माण किससे हुआ, तो ध्यान रखेंगे आग्नेय चट्टानों के अप्रदन एवं निक्षेपण से। फिर बात किया अगर धारवाड़ का, तो याद रखेंगे धारवाड़ को बोलेंगे आर्कियन के अप्रदन निक्षेपण से। फिर अगर बात करता है कड़प्पा का, तो याद रखेंगे कड़प्पा को लिखेंगे धारवाड़ के अप्रदन एवं निक्षेपण से। फिर अगर बात करता है विंध्यन का, तो याद रखेंगे कड़प्पा के अप्रदन एवं निक्षेपण से। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक, थ्योरी बहुत सारी है, बहुत कुछ बोलती है, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, बट ये इसको क्या कर देगा, कनेक्ट करेगा और आपके आंसर लाने में आपको सहायता देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, तो इसका आंसर जो होगा, आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, 3, 1, 4, 4, 5। ठीक, धारवाड़ सेल समूह जो होंगे वह होंगे लौह अयस्क की प्राप्ति होगी, गोडवाना सेल समूह से हमें कोयला की प्राप्ति होगी, दक्कन से हमें बॉक्साइट की, और कड़प्पा सेल समूह से हमें
चूना की प्राप्ति होगी, ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आर्केल सेल समूह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तारित है, करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। गोंडवाना सेल समूह भंडार की दृष्टि से हिमगिरी तलछर बारका सीरीज में बटी हुई है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह को जब हम पढ़ते हैं तो इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, यानी कि भंडारण के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है, लाइक अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना, और इसे क्वालिटी के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे कि हिमगिरी सीरीज, तलछर सीरीज और साथ ही साथ बराकर सीरीज। तीनों के मध्य मैच भी होगा, तो याद रखेंगे हिमगिरी सीरीज और बराकर सीरीज का जो एक्सकावेशन होगा वो SECL करता है, बट तलछर सीरीज का जो एक्सकावेशन होता है वो MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो यहाँ के लिए इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन सही है। ये डेक्कन ट्रैप समूह इंटरट्रेपियन बैंड युक्त है और यहाँ लमेटा स्तर की चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। कोरबा जिले का लेमरू क्षेत्र बक्साइट भंडार के लिए जाना जाता है, नहीं, कोरबा जिले का जो लेमरू क्षेत्र है वह कोयला के लिए जाना जाता है, अप्रोप्रिएट आपका वो है, तो इसका आंसर होगा A 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। फर्स्ट, रायपुर सीरीज का संबंध चूना पत्थर से है, बिल्कुल सत्य है। ग्रेनाइट तथा शिष्ट युक्त आर्कियन सेल समूह की विशेषता है, सही है। हिमगिरी बारका तल सीरीज कोयला भंडार से संबंधित है और धारवाड़ सेल समूह जीवाश्म रहित चट्टानों से बना हुआ है, तो इसमें क्या बताना भैया, सत्य कथन। तो क्या क्या हो सकता है आप लोग बताइए, क्या होगा सत्य, क्या 1, 2, 3 होगा? हाँ होगा। 1, 2, 3, 4 होगा? नहीं। 1, 2, 4 होगा? नहीं। सभी होंगे? हाँ। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ध्यान रखें इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ये सारी चीजें सही हैं इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी खान है, बिल्कुल सही। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ देश में तृतीय स्थान है, सत्य। और रायपुर जिले की मैनपुर और देवभोग तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं, तो याद रखें जो मैनपुर और देवभोग जो तहसील है वो रायपुर जिले में नहीं है, वो गरियाबंद जिले में है, तो इस हिसाब से इसका आंसर 1 एंड 2 होगा, अर्थात इसका आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। फिर हम चलते हैं 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह का विस्तार नहीं है, बोल रहा है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, बिल्कुल है। खुड़िया का पठार कहाँ पर होगा, आपका जसपुर वाले जिले में, यानी जसपुर पाट प्रदेश में, और जसपुर पाट प्रदेश में हमें वहाँ पे आर्कियन चट्टानों से घिरी हुई बॉक्साइट चट्टानें मिलती हैं, यानी कि जो मेरा जसपुर पाट है ज्वालामुखी उद्भेदन से, यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा बाहर निकलता है उसके ठंडे होने से बनी हुई आकृति या भौगोलिक आकृति दिखती है। डोंगरगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, या मैकल वाला एरिया हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, आर्कियन चट्टान। सी है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी की पहाड़ी है उदयपुर की पहाड़ी, आप सबको पता है ये मेरा कौन सा है, ये मेरा है कोरबा जिला, और ये है मेरा कौन सा जांजगीर चांपा जिला, और ये है आपका कौन सा रायगढ़ जिला, करेक्ट। अब यहाँ बीच से एक नदी आती है जिसका नाम, यहाँ पर कौन सी नदी है, ये है आपकी हसदेव नदी, ठीक। अब ये जो मेरी हसदेव नदी है, ये जो मेरी हसदेव नदी है, ये हसदेव नदी प्लस इधर से जो मेरी मांड नदी आती है, ठीक है, तो इस हसदेव नदी एवं मांड नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है छुरी की पहाड़ी, तो छुरी की पहाड़ी कभी आया कि कौन कौन सी रह फैली हुई, तो ध्यान रखेंगे ये कोरबा और कोरबा के साथ ही साथ थोड़ा सा रायगढ़ में फैली हुई है, और इसके पूर्व में, किसके, छुरी की पहाड़ी के पूर्व में, अर्थात ये मेरी मांड नदी, करेक्ट। मांड नदी के बाद, मेरी मांड नदी के बाद जो रायगढ़ क्षेत्र में जो पहाड़ी फैली हुई है, इसका जो रेंज फैला हुआ है, उसे मैं बोलता हूँ उदयपुर की पहाड़ी, ठीक। और ये जो छुरी की पहाड़ी के इधर जो फैला हुआ है, ये कहलाता है मेरा पेंड्रा लोरमी का पठार, यानी कि पेंड्रा लोरमी का पठार और छुरी की पहाड़ी को हसदेव नदी विभाजित करती है, और छुरी की पहाड़ी और उदयपुर की पहाड़ी को हमारी कौन डिवाइड करती है, हमारी मांड नदी डिवाइड करती है। तो मांड नदी जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, मतलब सरगुजा जिले का आपका मैन पार्ट के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व क्षेत्र से निकलेगी, और सीतापुर तहसील होते हुए दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, और आपके शिवरी नारायण के पास पहुँच के ये चंद्रपुर नामक एक पर्यटन स्थल, साथ ही साथ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल का निर्माण करती है, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें एक क्वेश्चन था कि शिवनाथ और वेनगंगा इन दोनों को डिवाइड करने के लिए मैकल
रेंज है या नहीं, तो इसका आंसर आप हाँ ले लेंगे, क्योंकि शिवनाथ जो है वो महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और महानदी अपवाह तंत्र को अगर मैं पूरा का पूरा अपवाह नदी तंत्र को लूँ और इधर मैं वेनगंगा ड्रेनेज सिस्टम को लूँ तो बीच में एक मैकल पर्वत आती है, लेकिन केवल केवल शिवनाथ नदी को अगर मैं लूँगा, इसको शिवनाथ नदी को, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अपवाह तंत्र की बात करें यानी कि महानदी अपवाह तंत्र, या इसे मैं बोलूँ शिवनाथ अपवाह तंत्र, ठीक, तो शिवनाथ अपवाह तंत्र और यहां पर की बात करूं वेनगंगा ड्रेनेज सिस्टम के मध्य जो विभाजक रेखा है वह होगी आपकी मैकल पर्वत। अर्थात इसमें तीनों कथन जो थे वह सत्य थे, बाकी जो पहला वाला ऑप्शन था कि जो देवगढ़ की पहाड़ी है गोपद और रिहन को डिवाइड करती है वो बिल्कुल सत्य है। आप अगर उसे रियासतों के बारे में जो बुक्स आई हैं, लाइक एक झारखंड झंकार नामक एक बुक है, अगर आप उसे पढ़ते हैं जिसमें केवल 5 रियासतों के बारे में दिया हुआ है, उसमें इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जो तथाकथित बुक्स या किताबें हैं उसमें थोड़ा सा उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा गया है जिस पॉइंट तक हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस में कभी कभी हमारे सामने डाउट्स आ जाते हैं और उन डाउट्स को हमें क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ तरह के क्वेश्चंस हमें दिख सकते हैं, ठीक। जो भी वीडियो आएगा वो टॉपिक वाइज आएगा छत्तीसगढ़ में, और उस चीज़ को हम आगे क्या करते जाएंगे, डील करते जाएंगे। बाकी किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में इसे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।